Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 2 of computer graphics. आज हम इस लेक्चर में उन हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से हम इमेज या ग्राफिक्स को देख सकते हैं. इन हार्डवेयर को वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस भी कहते हैं. एक मेन वीडियो आउटपुट डिवाइस CRT है. CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब्स. इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू विजुअल सिग्नल्स. CRT के मेन पार्ट्स या कंपोनेंट्स दो हैं. नंबर 1 हीटेड मेटल कैथोड एंड नंबर 2 कंट्रोल ग्रिड. अब ये CRT का अंदरूनी स्ट्रक्चर है. ये कनेक्टर पिंस हैं जिनको हम सर्किट में लगाएंगे करंट को गुजारने के लिए. फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा. अब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं. इससे आगे फोकसिंग सिस्टम है. इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ये एनोड है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. नेक्स्ट मैग्नेटिक कॉइल्स हैं जो स्क्रीन पे एग्जैक्ट जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं. और स्क्रीन फास्फोर, मतलब एक ऐसे एलिमेंट जो फास्फोर है उससे कोटेड है. अब जगह हम कनेक्टेड पिंस को सर्किट में लगा दें और फिर करंट प्रोड्यूस होगा. और फिर इस इलेक्ट्रॉन गन्स के अंदर एक हीटर लगा हुआ है जो हीट प्रोड्यूस करेगा और उस हीट से फिलामेंट से कैथोड पे आएगी. और कैथोड एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. इस हीट से इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे और साथ ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रिड है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगा कि कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम खारिज ना हो. और इस ग्रिड को हम वोल्टेज के ज़रिए सेटअप करते हैं. अगर हाई वोल्टेज होगा तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल, मतलब धकेलना शुरू कर देंगे और फिर इस स्मॉल होल से पास नहीं कर सकेंगे. इसी तरह अगर वोल्टेज कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाएंगे और वो कम स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगे जिससे इमेज शो नहीं होगा. इसीलिए इस कंट्रोल ग्रिड को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये वोल्टेज को मेंटेन करे और हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं वो स्ट्राइक कर सकें. इससे आगे फोकसिंग सिस्टम है, मतलब एनोड्स लगे हैं. एक्सेलरेटिंग एनोड्स इलेक्ट्रॉन की स्पीड को तेज़ कर देते हैं. अब जब इन एनोड से इलेक्ट्रॉन पास करें तो वो सेंटर पे हिट करेंगे. वहाँ जहाँ पे ये हिट करेंगे वहाँ ही इमेज प्रोड्यूस होगा. अब स्क्रीन पे हम किसी भी जगह पे इमेज बनाने के लिए मैग्नेटिक प्लेट्स इस्तेमाल करेंगे. ये मैग्नेटिक प्लेट्स इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन पे डिजायर्ड प्लेस पे स्ट्राइक करवाती हैं, मतलब ये डिफ्लेक्ट कर देती हैं उनके पाथ को. अब इस इन्वेलप, मतलब ये सारी चीज़ें एक ग्लास के अंदर रखी होती हैं. उनके बाहर दो मैग्नेटिक प्लेट्स हॉरिजेंटल, मतलब साइड्स के साथ लगाई जाती हैं और ये हॉरिजेंटल प्लेट्स पे इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन पे स्ट्राइक करवाती हैं. जबकि साथ ही वर्टिकल मैग्नेटिक प्लेट्स भी लगाई जाती हैं जो वर्टिकल लाइन्स में इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन पर स्ट्राइक करवाती हैं. अब स्क्रीन पे फास्फोर की कोटिंग की गई है. फास्फोर मुख्तलिफ कलर्स में मिलता है, लेकिन हम एक ऐसा फास्फोर इस्तेमाल करते हैं जिसकी प्रेजिस्टेंस कम हो, मतलब ओरिजिनल इंटेंसिटी हो और वो अपनी इंटेंसिटी, मतलब अपनी जो उसकी रोशनी है उसको कम ना करे. क्योंकि CRT में इमेज को कंटीन्यूअस देखने के लिए हमें एलिमेंट्स को उस पर कंटीन्यूअस फॉर्म में स्ट्राइक करवाना पड़ेगा. और इसी तरह CRT एक सेकेंड में 60 से 80 टाइम अपनी इमेज को रिफ्रेश करती है. इसीलिए CRT को रिफ्रेश CRT भी कहते हैं. नेक्स्ट रास्टर स्कैन सिस्टम है. ये रास्टर स्कैन सिस्टम भी CRT को ही इस्तेमाल करते हैं. इनमें एक रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर होता है जो स्क्रीन पे जाहिर होने वाली इमेज को की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. यहाँ से रीड करके कि कौन से पिक्सल को ऑफ या ऑन करना है CRT को इस्तेमाल किया जाता है. सो इन रास्टर स्कैन पिक्चर इज स्टोर्ड इन द एरिया कॉल रिफ्रेश बफर आर फ्रेम बफर. यहाँ पिक्सल का वर्ड इस्तेमाल किया गया. पिक्सल पिक्चर एलिमेंट को बोलते हैं, मतलब वो शॉर्टेस्ट एरिया जो इंडिपेंडेंटली इमेज को जाहिर करे.
फ्रेम बफर ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि हर पिक्सल या एलिमेंट के लिए कितने बिट्स चाहिए। अब अगर हमें ब्लैक एंड वाइट पिक्स चाहिए तो उसके लिए सिर्फ एक ही बिट 0 या 1 चाहिए, और ये जो बिट यहाँ पर स्टोर होगा उसको बिट मैप बोलेंगे। और अगर हमें कलरफुल पिक चाहिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिट्स चाहिए, मतलब कि हमें पिक्सल्स के लिए मुख्तलिफ जो पिक्सल्स यूज़ हो रहे हैं उनके लिए एक से ज़्यादा बिट्स चाहिए, तो फिर उसको स्टोर करने के लिए हम पिक्स मैप इस्तेमाल करेंगे। CRT में इमेज को बार बार रिफ्रेश किया जाता है, तो फिर बार बार हमें लाइंस को ड्रा करना होगा। इसके लिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल रीट्रेस इस्तेमाल होते हैं। हॉरिजेंटल ट्रेस एक लाइन को ड्रा करके नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, जबकि वर्टिकल रीट्रेस जब पूरा इमेज ख़त्म हो जाए तो फिर स्टार्ट से रीड्रा करने के लिए ले जाता है। नॉर्मली 1 सेकंड में 60 टाइम्स ऐसा किया जाता है। इसमें एक और टर्म होती है इंटरलेस्ड एंड नॉन इंटरलेस्ड। अब बार बार एज को रिफ्रेश करना है तो ये दो टर्म्स इंटरलेस्ड एंड नॉन इंटरलेस्ड इस्तेमाल होती हैं। इंटरलेस्ड सिर्फ ऑड या इवन लाइंस को रिफ्रेश करता है और नॉन इंटरलेस्ड तमाम पेज को रिफ्रेश करता है। इस तरह रिफ्रेशिंग रेट क्योंकि हमारे पास CRT में लो है और बार बार हमें रिफ्रेश करना है, तो अगर हम इंटरलेस से सिर्फ ऑड या इवन लाइंस को रिफ्रेश कर दें और नॉन इंटरलेस से हम पूरे इमेज को करेंगे रिफ्रेश, तो इस तरह हमें इमेज की जो लुक है या वो हमारी जो स्क्रीन पर उसका डिस्प्ले है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन है रेंडम स्कैन डिस्प्ले आर वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस को ज़्यादातर ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होती है। रेंडम स्कैन डिस्प्ले इसलिए इसे कहते हैं, ये सिर्फ उस एरिया को रिफ्रेश करती है जहाँ इमेज हो। इनमें रिफ्रेश डिस्प्ले 5 मौजूद होती है, जिसमें प्रोग्राम्स और कमांड्स मौजूद होती हैं कि किस तरह पिक्चर को ड्रा करना है। ये नॉर्मली 30-60 सेकंड्स के बाद पिक्चर को रिफ्रेश करती है। ये सिर्फ लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है और कम्प्लेक्स पिक्चर्स को ये डिस्प्ले नहीं कर सकती। अब कलर CRT मॉनिटर में 2 मेथड्स के ज़रिए पिक्चर्स या इमेज को डिस्प्ले किया जाता है। नंबर 1 बीम पेनिट्रेशन मेथड। इसमें फास्फोर की एक से ज़्यादा लेयर्स इस्तेमाल होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा 2। ये लेयर्स स्क्रीन पर कोटेड होती हैं और कलर स्क्रीन पे डिपेंड्स करता है, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट करेंगे वही कलर स्क्रीन पे शो होगा। नेक्स्ट मेथड है शेडो मास्क। ये मेथड आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें 3 कलर्स वाली गन्स इस्तेमाल होती हैं। 3 गन्स आर यूज्ड टू थ्रो बीम एट दी 3 डॉट्स ऑफ द सेम पिक्सल। आ शेडो मास्क इज़ यूज्ड विच हैज़ होल अलाइंड विद दी डॉट सो दैट ईच गन कैन फायर बीम टू कोरस्पॉन्डिंग डॉट ओनली। अगर हमें स्क्रीन पे सिर्फ एक ही कलर चाहिए हो तो हम पीछे से सिर्फ एक गन से इलेक्ट्रॉन्स को फायर करवाएंगे। CRT डिस्प्ले के एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इनके एडवांटेजेस में नंबर 1 फास्ट रिस्पॉन्स, मतलब हाई रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स, तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेंटीमीटर दैट कैन बी प्लॉटेड हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली इस कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो CRT की रेजोल्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है या हाई होती है। सेकेंडली फाइनली एस्पेक्ट रेशो इसमें होती है। अब एस्पेक्ट रेशो इज द रेशो ऑफ वर्टिकल पॉइंट टू द हॉरिजेंटल पॉइंट नेसेसरी प्रोड्यूस इक्वल लेंथ इन बोथ डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/4 एस्पेक्ट रेशो है, तो उसका मतलब है 3 पॉइंट्स वाली वर्टिकल लाइन 4 पॉइंट वाली हॉरिजेंटल लाइन के बराबर है। थर्ड फुल कलर देती हैं। अभी हमने देखा क्योंकि हमारे पास 3 कलर वाली गन्स यूज़ हो रही हैं, तो ये फुल कलर प्रोड्यूस करवा सकती हैं। जो आज करके हमारे घर में टेलीविजन वगैरह स्क्रीन यूज़ हो रही हैं वो इसी बेस पे हैं। सैचुरेटेड एंड नेचुरल कलर्स देती हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास सस्ती भी हैं, ठीक है, और वाइड एंगल देती हैं। इनकी जो ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट है वो भी बेहतरीन है।
डिसएडवांटेज में ये हैवी हैं, मतलब इनका एक साइज़ बहुत बड़ा होता है और ये बहुत हैवी होती हैं, 15 kg इनका साइज़ है। इसके अलावा पावर कंज्यूमिंग है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती हैं, ईच यूनिट तकरीबन 140 वाट ये लेती हैं, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये हार्मफुल हैं, ये नुकसानदेह हैं। इसके अलावा फ्लिकरिंग, कि इसको बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इनकी जो स्क्रीन है वो फ्लैट नहीं होती, तो इसकी वजह से जो इमेज बनता है उसके एजेस में एरर आ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज डिवाइस, ये एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है। इसमें पिक्चर को स्टोर करने की भी सलाहियत होती है, इसलिए इसको स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसलिए इनमें दो गन्स इस्तेमाल होंगी, एक प्राइमरी गन और दूसरी फ्लड गन। प्राइमरी गन ये पिक्चर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है, जबकि उसका इमेज वहाँ बरकरार रहे वो फ्लड गन करती है। प्राइमरी गन इज़ यूज टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न, वेयर एज फ्लड गन मेंटेन्स द पिक्चर डिस्प्ले। स्क्रीन के करीब ही एक कंट्रोल ग्रिड इस्तेमाल होती है, जिसके साथ स्टोरेज ग्रिड है जो इमेज को स्टोर करती है। नेक्स्ट फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं, इनकी टू टाइप्स हैं। नंबर वन इमिसिव डिस्प्ले, जिसमें कॉमन तौर पे प्लाज्मा पैनल्स आते हैं। सेकंड है नॉन इमिसिव डिस्प्ले, जिसमें हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आते हैं। इमिसिव के अंदर कोई ना कोई ऐसा सोर्स होता है जो लाइट को इमिट करता है, जिससे इमेज बनता है, जबकि नॉन इमिसिव में कोई भी लाइट सोर्स मौजूद नहीं होता, इसके लिए कोई और सोर्स इस्तेमाल होगा। इमिसिव डिस्प्ले में प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले हैं, ये सेम हमारे घर की ट्यूब लाइट की तरह काम करता है। इसके अंदर एक लाइट सोर्स होता है जो लाइट को इमिट करता है और जिससे इमेज बन जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये लार्ज व्यूइंग एंगल है, गुड फॉर लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले है, फेयरली ब्राइट है। इसके डिसएडवांटेज हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, लार्ज पिक्सल्स हैं, ठीक है, और इसकी वजह से फाइन रेजोल्यूशन देना मुश्किल है। इसके अलावा ब्राइटनेस इसकी CRT के मुकाबले में कम होती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इनमें लाइट इमिट करने वाला सोर्स इस्तेमाल नहीं होता, इसमें लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है और साथ में दो पोलराइड इस्तेमाल होते हैं। पोलराइड के वर्ड को आप ऐसे समझें जैसे पोलराइज्ड हमारे पास सनग्लासेस होती हैं कि वो कुछ रेज को ब्लॉक कर देती हैं और कुछ को पास आउट होने देती हैं, तो ये पोलराइड भी अल्ट्रा वायलेट रेज को लेगा और फिर उनको अगर हम परपेंडिकुलर ये पास करवाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वहाँ पे तो स्क्रीन पे इमेज हमारे पास बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन को ये लिक्विड क्रिस्टल चेंज कर दे तो वहाँ पे फिर हमारे पास इमेज स्क्रीन पे बन जाता है। अब इसके जो LCD हैं, इनके एडवांटेजेस ये हैं कि ये स्मॉल फुटप्रिंट होती हैं, ठीक है, इसके अलावा लाइट वेट होती हैं, लो पावर कंजप्शन होती हैं, ठीक है, कम्प्लीटली फ्लैट होती हैं, कोई ज्योमेट्रिकल एरर नहीं आता, क्रिस्प इमेज बनाती हैं। इसके अलावा कि अगर आप इनकी स्क्रीन को छुएं या करीब जाएं तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहाँ पे खारिज नहीं हो रही होती, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप इनकी स्क्रीन को टच करेंगे तो ये लिक्विड टच देती हैं, कि जैसे लिक्विड को टच कर रही हैं। इसके अलावा फुली डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पॉसिबल है, लार्ज स्क्रीन है, मतलब आप देख सकते हैं कि 20 something इंच में इनकी डेस्कटॉप की स्क्रीन आती है, जो आजकल हमारे घर में कंप्यूटर वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो LCD ही हैं। डिसएडवांटेज, हाई प्राइस होती है, ठीक है, पुअर व्यूइंग एंगल होता है, इनका एंगल इतना बेस्ट नहीं होता, लो कंट्रास्ट एंड डिमनेस होती है, इनकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट एक और व्यूइंग डिवाइस है, 3-dimensional व्यूइंग डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक मिरर इस्तेमाल करते हैं और मिरर वाइब्रेट कर रहा होता है, जिससे हमारे पास उसकी फोकल लेंथ चेंज कर देता है और फोकल लेंथ चेंज होने की वजह से हमें जो 3-dimensional व्यू नज़र आता है। इसको कुछ ये भी कह सकते हैं कि हम ग्लासेस एक ख़ास किस्म की पहनेंगे, उससे भी हम 3D व्यू को देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस हैं, जिनमें हमारे पास हेड माउंटेड डिस्प्ले है, कि अगर हम इसको पहन लें अपने हेड पर या अपनी आईज पे एक डिवाइस को पहन लें तो हम एक वर्चुअल दुनिया में जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती।